नमस्कार दोस्तों, भक्ति नगरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में पायल देखने का, पायल पहनने का क्या मतलब होता है। इसके साथ ही यदि आप अपने सपने में चांदी का पायल देखते हैं या खरीदते हैं या फिर सपने में टूटा हुआ पायल देखते हैं तो इन सपनों का क्या मीनिंग होता है, यह सपना हमें आने वाले समय के लिए क्या संकेत देता है, शुभ होता है या अशुभ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में पायल देखना शुभ सपना माना जाता है। अगर आप अपने सपने में पायल देखते हैं, पायल खरीदते हैं या फिर पायल पहनते हैं तो यह सपना सुख और सौभाग्य का सूचक होता है। और यदि आप अपने सपने में चांदी का पायल देखते हैं तो यह सपना आपको धन लाभ होने का संकेत करता है, साथ ही जीवन में खुशहाली आने का भी संकेत देता है। पायल का सपना शादीशुदा महिला और कुंवारी लड़की सभी के लिए शुभ और सकारात्मक सपना होता है। यदि कोई शादीशुदा महिला अपने सपने में पायल देखती है या फिर पायल को पहनती है तो यह सपना उनके सौभाग्य में वृद्धि होने का तथा पति से प्यार बढ़ने का संकेत देता है। और यदि कोई कुंवारी लड़की अपने सपने में पायल देखती है, खरीदती है या फिर पहनती है तो यह सपना उनके जीवन में खुशियां आने का संकेत देती है, कोई गुड न्यूज़ मिलने का संकेत देता है। सपने में पायल देखने का मतलब है कि आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा, इसलिए यह सपना बेहद ही शुभ सपना माना जाता है। लेकिन अगर आप अपने सपने में टूटा हुआ पायल देखते हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको कुछ मानसिक तनाव हो सकता है, परिवार या कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को जरूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय माता रानी।